Hello, students. My name is Neha Sachdev, and I am your English tutor at Step Up Academy. So, first of all, I welcome you to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So, with these words, let's immediately start with chapter number one of class 11th of the prescribed book. ऑन बिल और चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी तो नाम से टाइटल से हमें क्या समझ में आ रहा है इस चैप्टर में ऐसा कुछ होने वाला है कि जिसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है पोर्ट्रेट के बारे में पता चल रहा है पोर्ट्रेट किसका है लेडी का तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी की फोटोग्राफ तो फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी तो हमें इस चैप्टर में जो ऑथर हैं जो नरेटर हैं वो अपनी दर के बारे में बता रहे हैं जो इमेज उनके दिमाग में बनी हुई है वो उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर द्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैप्टर वेरी क्विकली सो द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड इज ग्रैंड मादर और इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने जो उसको नरेट भी कर रहे हैं और स्टोरी में क्या पता चल रहा है हमें खुशवंत सिंह का अपनी ग्रैंड मादर के साथ क्या रिलेशन था और जैसे जैसे टाइम बीतता गया टाइम आगे आता गया उनका रिलेशन कैसा होता गया और ग्रैंड मदर की इमेज क्या बनती गई न The grandmother was an old woman with a shrinkled face. अब grandmother एक बुजुर्ग lady थी with a wrinkled face. उनके चेहरे पे झुरियाँ थी एक बुजुर्ग सी औरत थी जिनके चेहरे पर झुरियाँ थी झुकी हुई थी छोटी सी हाइट की थोड़ी मोटी सी थी द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस फॉर द पास्ट ट्वेंटी ईयर्स और ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को पिछले बीस सालों से ऐसा ही देख ते आए हैं मतलब डे वन से लेके आज बीस साल हो गए हैं बट ग्रैंड मदर एज इट इज उतनी ही बुजुर्ग है जो वो डे वन से देख रहे थे सो so, शी अपियर टू बी सो ओल्ड दैट ही कूड नॉट इमेजिन हर बींग यंग एंड प्रिटी हम वो बोल रहे हैं कि वो इतनी बुजुर्ग थी कि वो ऐसी ही दिखती यहाँ वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि क्या ओल्ड लेडी क्या मेरी ग्रैंड मदर भी कभी सुंदर और प्रिटी हुआ करती थी अपने टाइम में और And had a husband और ये तो बिल्कुल ही imagine नहीं कर सकते कि उनका कभी हस, उनके कभी husband भी होते क्या उनके husband भी हो सकते थे क्या इतनी बुजुर्ग lady के बिकॉज उनने कभी देखा ही नहीं अपनी grandmother को young age में now शी वो शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट तो ये लाइन हमें क्या बता रही है फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रांड मदर ग्रांड मदर कैसी दिखती थी तो वो थोड़ी सी मोटी थी उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी और उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी जो स्ट्यूब था वो स्लाइटली बेंट था द

कि उनके जो दादाजी थे मतलब जिस ओल्ड लेडी के बारे में हम बात कर रहे थे उनके हस्बैंड के बारे में बात हो रही है बिकॉज उनकी उन्होंने पोर्ट्रेट देखी थी जो कि उनके घर में टंगी हुई थी सो इस ग्रांड फादर सीम लाइक अ मैन हैव अ हस्बैंड हु कुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन तो उनको उन दादाजी को देख के भी कभी ये फीलिंग ही नहीं आई क्योंकि वो भी इतने बुजुर्ग लगते थे वाइट बियर्ड इतनी लंबी सी तो इतने बुजुर्ग थे वो भी तो उनको देख के वो भी इमेजिन नहीं कर पाए थे क्या इनकी भी वाइफ होगी या उनके भी हस्बैंड उनके भी

सपोर्ट देती थी और दूसरे हाथ में वो रोजरी की माला जपती रहती थी आपने देखा होगा पुराने समय के के जो जो लोग होते थे थे वो वो ऐसे ऐसे-ऐसे माला माला हाथ में पकड़ के और राम राम राम, राम ऐसे ऐसे करके रहते थे थे, तो वो भी ग्रैंड लेडी ऐसी थी थी स्पिरिचुअल काफी से हमें पता चला राइट सो शी नाउ इन द इनिशियल डेज द ऑथरट इज ग्रैंड मदर हैड ए गुड रिलेशनशिप तो शुरुआत के दिनों में जब खुशवंत सिंह छोटे थे तो उनका जो बचपन का टाइम है बिकॉज ई ग्रैंड मदर ने खुशवंत सिंह की टेक केयर करी वो शुरुआत में अपनी ग्रांड मदर के साथ ही रहते थे तो ग्रैंड मदर ही उनको स्कूल भेजती थी उनको रेडी करती थी उनका लंच पैक करती थी पूरा टाइम उनको अकम्पनी करती थी सो इन द इनिशियल डेज वो जब खुशवंत सिंह छोटे थे वो शुरुआत के दिन की बात हो रही है द इज ग्रैंड मदर हार्ड ए गुड रिलेशनशिप थे, थी थे और उनको रेडी करके उनको स्कूल डे और उनको स्कूल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती थी जैसे कि पहले एक स्लेट आती थी, थी आजकल बुक्स और कॉपीज आती हैं तो पहले स्लेट आती थी, थी। ब्लैक कलर का वुडन जो फ्रेम रहता था उसमें हम स्लेट पर लिखते थे और उसको मिटा सकते थे चौक से लिखा करते थे सारी चीजें फिर उनका लंच बॉक्स वो सारी करती थी जो उनको होती थी. और उनको छोड़ने भी जाती थी अपने साथ एवरी डे रोज होता था स्कूल और वो जब उनको स्कूल छोड़ने जाती थी जब कुशवंत सिंह अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते थे वो पास में ही स्कूल के एक मंदिर था वो मंदिर में जाके वहां पर बैठ जाती थी टाइम स्पेंड करती थी वहां पे। ना रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स तो स्क्रिप्चर्स क्या होती है यहाँ पे जो धार्मिक पुस्तकें होती है वो वहाँ पर वो पढ़ा करती थी सिंह भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए और वो मीन सिंह क्लास अटेंड करते थे वो मंदिर में कुछ पढ़ा करती थी वराना सिंगिंग एल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर और तब जब स्कूल में कुशवंत सिंह क्या करते थे तो कुशवंत सिंह अपनी क्लास की बाकी बच्चों के साथ वरानंदा में जो बाहर का एरिया होता था वहां पर बैठ के एल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर्स को पढ़ा करते थे और जब वो वापस आते थे तो ग्रैंड मदर क्या करती थी अपने घर से जब कुशवंत सिंह को लेके जाती थी स्कूल ड्रॉप करने के लिए रात की जो बासी रोटियां होती है उनको हम बोलते हैं तो अपने साथ रात की बची हुई रोटियों को लेके जाती थी और जब वो स्कूल स्कूल से रिटर्न होते थे तो रास्ते में जितने भी स्ट्रेट डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स बोलते हैं ना जो भी स्ट्रेट डॉग्स होते थे उनको फीड करते हुए वो लोग घर लौट के आते थे तो दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर विद स्ट्रेट डॉग्स रोमिंग अराउंड देव एज ग्रैंड मदर वुड कैरी दील चपातीस टू फीड दम और सारे जो स्ट्रेट डॉग्स थे उनके आस घूमते थे बिकॉज उनको पता था कि ग्रैंड मदर अभी उनको स्टेल चपातीस फीड करने वाली है ना अब सून और ये जो पार्ट था स्कूल छोड़ने वाला ये थोड़ा चला और उसके बाद इमीजिएटली क्या हुआ सून द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर मतलब कुशवंत सिंह के मम्मी पापा ने क्या किया हु सेंट हुट हुट द सिटी टू सेटल इन दि टू सेटल इन एंड कॉल देम तो जैसे ही ये लोग इनका रूटीन थोड़ा सा फिक्स हुआ इनिशियल डेज में जब कुशवंत सिंह छोटे थे और जब उनके पेरेंट्स सिटी लाइफ में सेटल हो गए तो उन्होंने कुशवंत सिंह की दादी जी को और खुशवंत सिंह को दोनों को सिटी बुला लिए कि अब तुम आप, तो, आप लोग हमारे साथ रहना हम यहाँ पे सेटल हो गए सुन द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर हु वेंट टू द सिटी टू सेटल इन कॉल्ड देम उनको बुला लिया कि अब हमारे साथ ही रहो हमारे साथ ही यहाँ पे uh, काम करना एज द रीच द सिटी हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक टर्न तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि इनिशियली तो उनका बहुत हेल्दी रिलेशन था बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे ग्रैंड माधर के साथ खुशवंत सिंह लेकिन अब क्या बोला जैसे ही वो सिटी में मूव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जो उनका हेल्दी रिलेशन था वो थोड़ा सा यू टर्न लेता है थोड़ा सा उस रिलेशन में चेंज आता है सो दो दे शेयर द रूम दे अ ग्रीव अपार्ट हालांकि अभी रूम तो कॉमन ही शेयर करते थे जैसा पहले कर किया करते थे जब वो विलेज में रहते थे जहाँ पे अपनी इनिशियल स्कूलिंग कर रहे थे तो रूम तो अभी भी सिटी में भी एक ही रूम था ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह के साथ ही रूम शेयर करती थी बट जो उनका रिलेशन था उसमें थोड़ी सी दूरी आ गई ही started going गोइंग an एन इंग्लिश मीडियम स्कूल शी नो accompanied him to school. स्कूल अब कुशवंत सिंह थोड़े से बड़े हो गए वो शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे अब ग्रैंड मदर भी उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी प्रभावली उनको बस लेने आती होगी और बस ही ड्रॉप करती थी तो अब ग्रैंड मदर उनको एक कंपनी नहीं कर पाती जो पहले बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे दोनों एक दूसरे के साथ अब वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा बिक टाइम कहीं ना कहीं इतना कंपनी नहीं हुआ she no no longer longer accompanied to to him to school and there were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home और अब वहाँ पर जाती ही नहीं थी स्कूल छोड़ने के लिए और जब वो लोग वापस आते थे तो वहाँ पर आसपास कोई स्ट्रेट डॉग्स नहीं थे बिकॉज वो सिटी एरिया था और ग्रैंड मदर तो जाती ही नहीं थी तो कोई स्ट्रेट डॉग्स भी नहीं थे जिसको वो चपाती फीड कर सके तो जो उनका बॉन्ड था जो क्लोजनेस वो शेयर करते थे बाई स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर बिकॉज़ वो टाइम स्पेंड कम होने लग गया तो जो उनका रिलेशन था उसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप आने लग गया ना म अबाउट हिस्से एंड वॉट ही हैड लर्न लेकिन भले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे कुशवंत सिंह और ग्रैंड अब अकंपनी भी नहीं करती थी उनको ना स्कूल छोड़ने जाती थी और ना ही लेके आती थी बट फिर भी वो कुशवंत सिंह से ये जरूर पूछती थी, थी आज का दिन कैसा रहा बेटा आज आपने क्या सीखा क्या पढ़ किया है स्कूल से हमेशा पूछा करती थी शी डिनटैंड एनी थिंग एज एवरी थिंग वॉज इन अनदर लैंग्वेज उनको कुछ समझ नहीं आता था ग्रैंड मदर को क्योंकि सारी जो चीजें थी अब इंग्लिश मीडियम में थी तो उनको कुछ समझ नहीं आता था कि क्या बता रहे हैं कुशवंत सिंह

सो दिस और लेस ऑफ ईच अदर बिकॉज अब वो इंजॉय भी नहीं कर रही थी जो पढ़ते थे उनको मजा नहीं आता था यार ये क्या पढ़ाई करते और समझ तो उनको वैसे ही नहीं आता था बिकॉज वो अनादर लैंग्वेज में था इंग्लिश मीडियम में चीजें थी तो अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा टम और टाइम उनका जो कम साथ में स्पेंड होने लगे दे और लेस ऑफ ईच अदर अब और थोड़ा कम मुलाकात होने लगे बिकॉज वो अपनी चीजें अलग हो गई उनकी अलग लाइकिंग्स हो गई और ग्रैंड मदर थोड़ी सी अलग होने लग गई एज द डेज पास जैसे दिन बीतते गए जैसे समय आगे आता गया ही ग्रीव ओल्ड एंड soon went टू द यूनिवर्सिटी अब ये थर्ड फेस आ गया कुशवंत सिंह की लाइफ में सबसे पहले हमने देखा था जब वो विलेज में रहते थे जब वो स्कूल में जाते थे प्राइमरी स्कूल प्रोबेबली और अब जब हमने देखा कि उनके पेरेंट्स ने उनको सिटी में कॉल कर लिया तो हाई स्कूल में जाने लग गए और अब ये जो थर्ड फेस आया है ये अब टाइम आ गया कि कुशवंत सिंह अपनी फर्दर स्टडीज़ अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करें और जिसके लिए अब उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ा ही ग्रो ओल्डर कुशवंत सिंह भी काफी अब समझदार हो गए मेच्योर हो गए बड़े हो गए एंड सोन वेन टू द यूनिवर्सिटी और जल्दी वो अब यूनिवर्सिटी जाने लग गए ही हैड एज ओन रूम एंड दिस मेड देर रिलेशनशिप सावर। अब क्या हुआ अब जब वो यूनिवर्सिटी जाने लग गए तो उनको उनका सेपरेट रूम मिल गया तो पहले जो दो स्टेजेस हमने देखी थी विलेज में और इनिशियल सिटी लाइफ पर कॉमन लिंक क्या था उनका कॉमन रूम जो वो दोनों शेयर करते थे ग्रैंड मदर और कशवंत सिंह बट जब वो यूनिवर्सिटी में जाने लग गए तो उनको खुद का सेपरेट रूम मिल गया जहां पर उनकी दादी माँ नहीं होती थी तो जब दादी माँ साथ में नहीं रहती थी थोड़ा सा डिस्टेंस और क्रिएट हो गया दोनों रिलेट में तो इसकी वजह से उनका रिलेशन जो था थोड़ा सा सावर हो गया थोड़ा सा बिटर होने लग गया शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन एंड स्पेंड हर होल डे सिटिंग एटर स्पिनिंग व्हील अब उन्होंने सबसे बात करना छोड़ दी क्योंकि उनको ऐसा लगता था सब सिटी लाइफ में बिजी हैं अपनी रूटीनस में और वो अपना टाइम ज़्यादातर स्पेंड करती थी स्पिनिंग व्हील में चरखा चलाती थी जैसा आपको समझ में आ रहा है राइट रिसाइटिंग प्रेयर्स और क्या करती थी अपना स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती थी चरखा धीरे धीरे चलाती रहती थी प्रेयर रोजरी जो उनका शुरू से ही काम था प्रिसाइड प्रेयर स्पिनिंग व्हील एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी विद वन हैंड और क्या करती थी स्पिनिंग यान भी अगर चला रही हैं या फिर वो कुछ भी रिसाइड करी उनका जो लिप्स थे वो मूव करते रहते थे साइलेंट प्रेयर में पूरा टाइम वो प्रेयर्स गाती रहती थी और एक हाथ में उनके बीड्स ऑफ रोजरी के रहती थी रोजरी की माला रहती थी जो जपती रहती थी हाउ एवर शी लव दीडिंग टाइम तो इन सब के बावजूद भी उनको एक चीज थी जिसमें उनको बहुत मजा आता था दैट वॉज फीडिंग द करना उनको बहुत ही अच्छा काम लगता था जो वो अभी भी करती थी शाम के समय में डॉन होता शाम समय, dusk होता का समय डस्क होता सुबह का समय ब्रेकिंग ब्रेड इन टू पीसेस एंड फीडिंग इट विद बर्ड वॉज हर डेली रूटीन और ये उनका डेली रूटीन बन गया कि शाम के समय स्पैरोज वहाँ पे इकट्ठी हो जाती थी जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पूरे आस पास देखो पूरी स्पैरोज आ गई है और वो हर शाम को वहाँ पे ब्रेड क्रम्स को लेकर ब्रेड के टुकड़ों को लेकर वहाँ पे उनको फीड करती थी कि उनको ये जो इनका हाफ आवर का टाइम रहता था ये इनका बेस्ट पीरियड रहता था पूरे डे का दाऊ

देन वन डे शी रिसाइट हर प्रेयर अब यहाँ पर बिल्कुल स्टोरी में यूटन आ गया जो उनकी रूटीन प्रैक्टिस थी ट्वेंटी ईयर्स से हम देखते आए हैं कि वो रेगुलर रिसाइट प्रेयर्स करती थी और उनके अकॉर्डिंग स्टडी तो बस वही थी जहाँ पर धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए गॉड जन स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाए बट हाँ पर यू टर्न आता है जहां पर शिडल रिसाइड प्रेयर्स उन्होंने उस दिन कोई भी प्रेयर को रिसाइट नहीं करा कोई भी प्रेयर नहीं बोली बट इंस्टेड और इसके अलावा क्या कर ये तो नहीं करा बट क्या करा उन्होंने बट इंस्टेट कलेक्टेड द दिमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट अ ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग मतलब अपनी जो रेगुलर एक्टिविटी थी जो उनका रूटीन था कि रोज प्रेयर्स वो पढ़ती थी प्रेयर्स गाती थी ये ना करके उन्होंने क्या करा अपने आस के जितने भी मोहल्ले कि नेबर में जितनी भी विमेन्स थी जितनी भी लेडीज थी उन्होंने उनको कलेक्ट करा एक ड्रम मंगवाया और गाना गाना और बजाना शुरू कर दिया द नेक्स्ट मॉर्निंग और तुरंत उसी की इमीजिएट नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विद माइल्ड फीवर वो बीमार हो गई उनको हल्का सा बुखार भी आ गया द डॉक्टर सर दैट देर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर डॉक्टर ने तो बोला कि बहुत परेशान होने की बात नहीं है प्रोबाबली उन्होंने एक एक रात पहले मतलब एक दिन पहले शाम को जब इवनिंग में नेबर्स में से लेडीज को बुलाया और वो उन्होंने बहुत सिंगिंग गाना बजाना करा तो उसकी वजह से हो सकता है, वो एग्जॉस्ट हो गई होंगी वो थक गई होंगी उनकी एज इतना अलाउ नहीं करती बट उन्होंने अपने आप को ओवर स्ट्रेच करा जिसकी वजह से थकान की वजह से उनको फीवर आ गया तो घबराने की कोई बात नहीं इट्स जस्ट नॉर्मल बट ग्रैंड मदर वॉज वेरी श्योर डेट हर एंड वॉज नियर ग्रैंड मदर को ऐसा समझ में आ रहा था कि अब उनका लाइफ का एंड होने वाला है डेथ इज अप्रोचिंग हर शिलेस्टर टाइम टॉकिंग टू एनी वन इन द फैमिली एनी मोर बट स्पेंड हर लास्ट आर्ट एंडाइटिंग हर प्रेयर अब उनको रियलाइज हो गया कि जब अब उनका एंड बहुत ही नियर है इट्स जस्ट अप्रोचिंग हर तो अब उन्होंने डिसाइड करा मैं घर की किसी

then as they they prepared for her funeral they saw all the sparrows sitting in the veranda around her mourning her death अब क्योंकि चिड़ियों को आदत थी कि शाम के समय ग्रैंड मदर उनको ब्रेड क्रम्स फीड करेंगी तो रूटीन के जैसे सारी स्पैरोज उनके आसपास आ गई जहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी थी जब फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर सारी डेड बॉडी डेड बॉडी के पास सारी स्पैरोज कलेक्ट हो गई और इतनी उदास थी कि जो ब्रेड क्रम्स उनकी मदर ने फीड कराऊंग

चल एट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द्वेश्चन इन डिटेल सबसे पहला क्वेश्चन है द थ्री फेसिज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ए लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड अभी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं हमें वो थ्री फेसिस बतानी है थ्री स्टेज बतानी है कौन सी ऑथर का रिलेशनशिप विद इज ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर और कुशवंत सिंह का जो रिलेशन था उनकी तीन स्टेजेस कौन सी थी बिफोर ए लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड उनके अब्रॉड जाने से पहले तो हमने जो डिस डिस्कस करा था उनके बारे में हम जल्दी से समझते हैं

थी और उनको स्कूल ड्रॉप करती थी फिर अपने साथ लेके आती थी दैट वाज द फर्स्ट स्टेज

भी शेयर नहीं करते का अलग रूम था और सिंह यूनिवर्सिटी के रूम में रहते थे दिस फ्रेंडशिप बॉन्ड वीक द कॉमन लिंक जो रूम शेयर करना उनका जो कॉमन लिंक था बिटवीन देम द सेम रूम स्नैप्ड जो उनका कॉमन लिंक था वो भी अब स्नैप हो गया वो भी चेंज हो शी बिकेम क्वाइट अन प्राइवेट अब वो क्या बिकेज उनका रूम भी अलग हो गया अब कोई था नहीं उनके रूम में बात करने के लिए तो वो बहुत शांत रहने लग गई और अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज थी दैट इज स्पिनिंग yarn करना अपने चरखे को चलाती थी अपनी प्रेयर्स डिसाइड करती थी और रोजरी की माला जपती रहती थी तो अब ये एक्टिविटीज में करने लग गई और ज़्यादा बात नहीं करती थी फैमिली मेम्बर्स से और अकेले रहती थी अपने रूम में सो शी बिकेम क्वाइट अन प्राइवेट एंड कैप दिनिंग व्हील ऑल डेल रॉन्ग शी वुड ओनली थिंग नाव और पूरे दिन में ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से ग्रैंड मदर काफी खुश होती थी और उनके चेहरे पर स्माइल आती थी बाई फीडिंग द स्पैरोज ऑल अराउंड और बर्ड्स भी उनको इतना लव शो करती थी कोई उनके हैंड पे आके बैठती थी कोई शोल्डर पे और कोई तो उनके हेड पे आके भी बैठ जाती थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मेरी समझी थी नव गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री रीजन वाई द्रांड मदर वॉज डिस्टर्ब वेन यू स्टार्ट गोइंग टू दिटी स्कूल तो ऑथर की ग्रैंड मदर क्यों डिस्टर्ब हो गई जब खुशवंत सिंह सिटी स्कूल में जाने लग गए तो रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस करते कर चुके हैं जल्दी से रीड करते हैं और डिटेल में समझते हैं ऑथर यूज टू लिव इन दिलेज विद हर विद हर दैट इज ग्रैंड मदर दोथ हार्ड अ वेरी गुड बॉन्ड वो बहुत हेल्थी फ्रेंडशिप शेयर करते थे शी यूज टू वेकिंग अप गॉड

नहीं कर पा रही थी कुशवंत सिंह की जो पहले किया करती थी तो वो थोड़ी सी उदास हो गई थी इस चीज से गोइंग टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल दिस बिकेम अ बैरियर फॉर हर नो अबाउट गॉड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे गए कुशवंत सिंह वहां पर तो हमें मॉडर्न चीजें पढ़ाई जाती थी वहां पर गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं थे कुशवंत सिंह को तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा हर्ट करती थी ग्रैंड मदर को

म्यूजिक वॉज ओनली फॉर बेगर्स एंड हर एंडलॉर्ड्स उनको लगता था जो म्यूजिक है वो यू नो डीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता ये सिर्फ लोअर लोअर या lower या बोल सकते हो क्लास को बिलोंग नहीं करता तो बेगर्स और हर हेरलॉर्ड्स के लिए बनाया गया है तुम्हें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में म्यूजिक सीख रहे उसके लिए तो शी वॉज वेरी अगेंस्ट दिस सो द थ्री पॉइंट जिसकी वजह से ग्रैंड मदर काफी थी जब कुशवंत सिंह सिटी स्कूल में जाने लग गए थे तो उनकी डेथ से पहले उन्होंने क्या बिहेव करा? जो रूटीन प्रैक्टिस किया करती थी और डेथ के पहले उन्होंने प्रैक्टिस स्टॉप कर दी तो वो इस आंसर में हम डिस्कस करते हैं जल्दी इवनिंग बिफोर डाइंग डेथ हुई उससे इमीजिएट पहले दिन उन्होंने प्रे

को मैंने अपनी सिंगिंग और ड्रम बजाने में स्पेंड किया है अब मैं वो सिर्फ प्रेयर्स में ही स्पेंड करूंगी their when the died. तो चिड़िया जिनको वो करती थी ग्रैंड मदर ब्रेड क्रम से इवनिंग में इन द दरैंडा उन्होंने कैसे सोरो एक्सप्रेस करा ग्रैंड मदर की डेथ पे वो ये क्वेश्चन पूछ रहे so, नाउ द ग्रैंड मदर यूसुफ इन बैरण इच डे रिलीजियस एक्टिविटी शी डेवलप्ड स्पेशल रिलेशनशिप विद डेम और बहुत ही अच्छा बॉन्ड डेवलप कर लिया था उन्होंने वहाँ की स्पैरोज के साथ वेन शी डाइड और जब ग्रैंड मदर की डेथ हुई फाइनली सो थाउजेंड ऑफ स्पैरोज हजारों चिड़िया वहाँ पर जितनी भी रोज आती थी ब्रेड क्रम्स को खाने के लिए थाउजेंड ऑफ स्पैरोज एक्सप्रेस द बाई सीटिंग इन अ स्कैटर्ड वे अराउंड हर इन दरानदा और वरानदा में जहाँ पर ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को रखा था वहाँ पर जितनी भी चिड़ियाँ रोज आती थीं वो सब आस पास आके बिखर के इधर उधर बैठ गई ग्रैंड मदर के आसपास देर डिट चर्प एंड देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस रोज तो चर्पिंग की, चाह चाह चिडियों की चाह इतनी साउंड चह चह चिड़ियों की चहचहट इतनी ज़्यादा होती थी कि ग्रैंड मदर थोड़ी सी परेशान हो जाती थी बट मस्ती वालों को अच्छा लगता था बट उस दिन तो इट वॉज़ अ पिन ड्रॉप साइलेंट एक भी चिड़िया ने आवाज़ नहीं करी इट वॉज कंप्लीट साइलेंस दी ऑथर्स मदर ट्राई टू फीड दैम बाय ब्रेकिंग द ब्रेड एंड थ्रोइंग इट इन फ्रंट ऑफ देम ग्रैंड मदर की जो बहू थी डॉटर इन लॉ मतलब कुशवंत सिंह की जो मम्मी थी उन्होंने कोशिश करी कि ग्रैंड मदर रोज ऐसा करती थी तो आज मैं उनकी जगह पर ब्रेड क्रम्स स्पैरोज़ को फीड करती हूँ बट वो बहुत उदास थी और उन्होंने अपना सौरव कुछ ऐसे एक्सप्रेस करा कि एक भी ब्रेड क्रम किसी भी चिड़िया ने नहीं खाई बट द डेंट ईट

सो so, we गो विद द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स और समरी हमने डिस्कस कर लिया पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर वन फ्रॉम हॉनबिल और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस कर लिया है नाउ अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए इन अ नॉट शेल अबाउट योर कोर्स सो प्लीज़ डू विजिट आर चैनल रेगुलरली टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग द चैनल